वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। तो आज है फिर से अनदर वीकेंड और हम जाने वाले हैं आज मेरी फेवरेट जगह, जो कि आज ये ब्लॉग होने वाला है फूड ब्लॉग, राइट? फूड ब्लॉग होगा। तो आज हम जाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल प्लेस जो कि मुझे बहुत पसंद है, वो है बनाना लीफ, जो कि पूरे साउथ क्या होता है, साउथ इंडियन फूड मिलता है गाइस यहाँ पे। और आज हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं सुमित दीदी का बर्थडे, क्योंकि हम लोग सेम डेट पर नहीं जा पाए थे, कुछ किसी की छुट्टी नहीं थी, बट आज सबको छुट्टी है, तो हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं सुमित दीदी का बर्थडे। हम लोग आज पूरा साउथ इंडियन स्टाइल में खाना खाएंगे सारा, और मिलते हैं आपसे वहीं जाके। सो मिलते हैं वहाँ, दीदी हमारा वेट कर रही है, हम ऑल एज ऑलवेज लेट है, तो हम जाते हैं, भागते हैं, बाय। सो गाइस हम लोअर परेल स्टेशन पहुँच गए थे और वहाँ पर हमने एक फ़ोटो खींचा अपना। लोअर परेल स्टेशन है, वहाँ से वॉक करते करते ये हम आगे जा रहे थे, क्योंकि यहाँ से वॉक करके आई थिंक 500 मीटर्स पे ही स्टेशन है। वहाँ पर जाके हमने केक की शॉप पे दीदी के लिए केक लिया, ब्यूटीफुल सा, विच वॉज हार्ट एंड हार्ट शेप चॉकलेट केक था। उसके बाद हम लोग मॉल पहुँच गए, विच इज़ फिनिक्स पैलेडियम, ये उसकी एंट्री है। एंट्री से हम लोग एंटर कर रहे हैं अंदर, काफ़ी ब्यूटीफुल सजा हुआ है ये, काफ़ी सारे डेकोरेटिव पीसेस लगे हुए हैं, ग्रासलेट्स। लुक एट दिस ब्यूटी गाइस, कितना प्यारा ये सजा हुआ था, काफ़ी सारी लाइटिंग हो रखी थी यहाँ पे चारों तरफ। क्रिसमस पे हम लोग आए थे, उससे भी ब्यूटीफुल था। अदिति से रहा नहीं गया तो वो अगेन वॉक करके रैंप करने लगी ये सारे डेकोरेशंस के सामने, और वहाँ पर एक काफ़ी प्यारा सेल्फी मिरर है, वहाँ पर उन्होंने मिलकर सेल्फी ली, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल था। और ये अदिति दीदी मज़े करते हुए अगेन से एस्केलेटर के सामने। लुक एट दिस ब्यूटी गाइस, दिस इज़ ब्यूटीफुल, काफ़ी प्यारा मॉल है। आई के स्टोर से हमको थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो दीदी को थक गई थी, वहाँ जाके बैठ गई, हमने थोड़ी शॉपिंग करी वहाँ से, और फिर हम बाहर निकल आए। ये मैं अगेन वॉचमैन के साथ पोज करते हुए, ये हमारी सेल्फी इन मिरर एज ऑलवेज। सो गाइस फाइनली हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन बनाना लीफ, जो हम इतने देर से इंतज़ार कर रहे थे कि हम यहाँ पर जाएँ और बहुत सारी मस्ती करें। ये देखिए कितने प्यारे इन्होंने डेकोरेशन कर रखी है, पूरी पूरी इन्होंने साउथ की थीम पे बना रखा है, यहाँ पर सिर्फ साउथ इंडियन फूड। गाइस अंदर जाने के बाद हम जैसे ही बैठे वहाँ पर ये मेनू आ गया था, काफ़ी बड़ा सा ब्रीफ मेनू था, डिस्क्रिप्टिव मेनू था, हम लोग कन्फ्यूज हो गए खाना है। देन फाइनली हम लोग दीदी का केक कटिंग करने के लिए तैयार हो गए, दीदी को केक लेके आए थे, बहुत ही पसंद आया उसको, और आप देखिए नेचुरल विजुअल। सो गाइस हमने फाइनली चार तरह के डोसा ऑर्डर किए थे, एक हमारा आ गया रजनीकांत डोसा, एक मैसूर मसाला आ गया हमारा, और एक चंगेरी चटनी और डोसा था, और चौथा था हमारा मलंग मसाला डोसा। काफ़ी सुंदर ये डोसे थे, काफ़ी मज़ा आया खा के हमको। गाइस ये चार डोसे हमने खाने के बाद और मंगाया गया से, तो अदिति ने मंगाया था रवा मसाला डोसा और मैंने ये मंगाया था बेंगलोर मसाला डोसा। उसके बाद हमारी फ़िल्टर कॉफ़ी आई, जो कि काफ़ी फेमस है साउथ इंडियंस की, फ़िल्टर कॉफ़ी पी के क्या ही मज़ा आ गया। दोनों को मिक्स करना पड़ता है, कटोरी और ये ग्लास दोनों हाथ में आता छोटा सा, मिक्स करके दोनों को हम पी रहे थे, और मैं मजाक करने के लिए दोनों कटोरी और ग्लास से करते, तो ये एक अगेन से बॉडी इडली मंगाई थी, जो कि पूरी घी में डूबी हुई थी, काफ़ी टेस्टी थी इडली, इस पर गन पाउडर डला हुआ था, और खाने के बाद तो क्या ही टेस्ट था, बट बहुत हैवी था। इसको खाने के बाद हमारे पेट ऐसे ऑलमोस्ट तन गए थे। दीदी ने मंगाई थी, वो दीदी सबको बांट रही थी क्योंकि वो खा नहीं पा रही थी, इतनी हैवी थी वो इडली, घी घी भरा हुआ था। और ये देखिए गाइस मैं कॉफ़ी फिल्टर कॉफ़ी पीते हुए दोनों हाथों से अपने एक कटोरी और एक ग्लास में से, काफ़ी मज़ा शानदार। फिर मेरे को देख के अदिति भी मोटिवेट हो गई और उसने भी ट्राई की फ़िल्टर कॉफ़ी, उसको भी काफ़ी अच्छी लगी। और ये गाइस देखिए दीदी बहुत व्यस्त है खाते टाइम और गुस्सा भी दिखा रही है क्योंकि मैं इसका वीडियो ले रहा हूँ, और जिया जी भी देख रहे थे उसकी पोड़ी इडली को, काफ़ी टेस्टी थी। सो खाने के बाद अगेन से गाइस हम आगे स्टोर आ गए, अदिति वहाँ से अगेन पोस्ट करने लगी, हम कुछ वहाँ से फ्लावर वास खरीदे थे, और यही हमारा डे का एंड होता है। फाइनली गाइस अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह मुंबई के काफ़ी सुंदर सुंदर ब्लॉग आपके लिए आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे मिस्टर शर्मा, थैंक्स अ लॉट, जय श्री राम।